मंगलवार को पूर्णिया के कला भवन प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजीव गांधी वाला जमाना अब नहीं रहा। जब दिल्ली से एक रुपया चलता था तो 14 पैसा पहुंचता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाया और खाते में 21,000 करोड़ तुरंत पहुंच गया। उन्होंने कहा कि देश के पीएम और बिहार के सीएम दोनों गरीब के बेटे हैं, वह गरीबों का दर्द जानते हैं, इसीलिए हमेशा उनके उत्थान के काम में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बने, इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हर प्रमंडल में एयरपोर्ट बने, पूर्णिया के साथ भागलपुर में भी एयरपोर्ट बने। उन्होंने कहा कि सीमांचल में कई तरह की इंडस्ट्री स्थापित होने वाली है, इसके लिए जमीन की जरूरत होगी। मंत्री ने कहा कि हम सभी जिले में उद्योग के लिए जमीन भी ले रहे हैं, मगर पूर्णिया की जनता की सुविधा के लिए जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने मरंगा में बस अड्डे के लिए जमीन हमसे मांगी है, इस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में उद्योग समेत अन्य कई तरह का विकास हो रहा है। इस दौरान सदर विधायक विजय कुमार खेमका, जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत, नगर आयुक्त आरिफ अहसन, अपर समाहर्ता केडी प्रज्वल, विकास आयुक्त मनोज कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष, सभी प्रखंड के प्रमुख एवं अन्य पदाधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और 13 योजनाओं से लाभान्वित 200 लाभुक भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मिला है जिसको जनता अपने दिल और जान से प्यार करती। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो विजनरी, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो ग्लोबल लीडर है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री उनके साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ते, और इसी वजह से वो एक गरीब का बेटा गरीबी में किया, जिनकी माँ एक बर्तन मांजने का काम करती। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया। 21,000 करोड़ एकदम एक बार बटन दबाते पहुंच गया अकाउंट में। अब वो राजीव गांधी वाला नहीं है कि 14 पैसे पहुंचता है 100 रुपये, तो ये बड़ा काम हुआ है। क्योंकि मैं पूर्णिया का भी पूर्व सांसद हूं, अमौर का, किशनगंज का जब मैं सांसद था तो अमौर इसी में आता था, आज कटिहार जाना था तो इसलिए भागलपुर भी, मेरा पूरा पूर्व सांसद वहाँ का भी हूँ, किशनगंज का भी हूँ, अररिया का भी हूँ, बांका का भी पूर्व सांसद हूँ। इस नाते हमने जहाँ सबसे पहले रहे वहाँ हमने आगे लाभार्थियों के बीच में ज्वाइन किया। पूर्णिया में संभावना है, एयरपोर्ट के लिए पूरी ताकत से यहाँ पर काम हो रहा है, मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। ऐसे हर कमिश्नरी में एयरपोर्ट बने, ये प्रधानमंत्री की इच्छा है। भागलपुर में भी बने, पूर्णिया में भी बने, कोई कमिश्नरी अछूता न रहे महाराष्ट्र की तरह, ये हम सब की इच्छा है। यहाँ पर खादी मॉल का टेंडर हो गया था लेकिन सिंगल आया तो वो नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी होगा। यहाँ पर बड़ा फाइव स्टार होटल भी आ रहा है, बन रहा है, उसको देखने जाऊँगा मैं। यहाँ पूर्णिया इस इलाके में उद्योग की कैसे तरक्की हो, डीएम साहब से विस्तार से बातचीत हुई है। अगली बार जब आएंगे तो जो नया हॉल बना है उसमें कहाँ गए खमका जी, अरे खमका जी ने कोई हॉल बनवाया है और उसमें हमें निमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी सम्मेलन हम लोग करेंगे यहीं पे, और इनका प्रस्ताव है कि इन्वेस्टर मीट भी यहाँ किया जाए। अभी तो दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुआ, फिर मुंबई के अंदर भी इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं, और नई जो टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी आई वो मूलचल परिवर्तन कर देगी। बिहार तरक्की के रास्ते पर जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उद्योग का माहौल बना है और इसमें आप सबका बहुत सहयोग है। जो इन्वेस्टर मीट यहाँ करने का प्रस्ताव है वो पूरा नेपाल, नॉर्थ बंगाल और सीमांचल का मिला के करने की